देखिए सीधे साधे जीव जिसको बैंडेड करैत या यहाँ लोकल में अहिराज कहा जाता है, इस प्यारे से जीव ने बच्चों की बर्थडे पार्टी में खलल डाल दी थी। ये क्या कराट प्रजाति का? हाँ ये कराट प्रजाति का है, कभी इसका नाम है बैंडेड करैत। अभी हम लोग बिलासपुर के सागर होम्स फेस टू में आए हुए हैं और कहना चाहिए कि एक बर्थडे में एक बहुत सीधे साधे से रेप्टाइल ने खलल डाल दी है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो रेप्टाइल कौन सा है और उससे जुड़ी हुई आपको जानकारी देते हैं। देखिए इस लोकेशन पर घुसा हुआ पुरानी ईंटों के जमावड़े में ज्यादातर सांप ठंडक के लिए घुस आते हैं। लाइट कम कर दो। शुभ मानते हैं इसको? नहीं तो उनको बुकिंग करना है। बारिश तो नहीं, शुभ मानते हैं इसको? देख के पानी गिरता है। हाँ हाँ ये भी है, देख के पानी गिरता है। घर में इसको मारते नहीं, इसको मारते इसको नहीं मारते सुनने के लिए। मैं तो छोटा सा देखी थी, पूछ दिखा। ये चूहा हुआ खाने के लिए मैं देखा हूँ। अरे तो पीछे अजगर साहब के लिए नहीं बुला देते हो? रोटी आप लोग पकड़े हैं। हर जीव ना, हर जीव शुभ होता है अगर आप उसको बचाएंगे तो। राइट है, खतरनाक। देखिए ये सीधे साधे जीव जिसको बैंडेड करैत या यहाँ लोकल में अहिराज कहा जाता है, इस प्यारे से जीव ने बच्चों की बर्थडे पार्टी में खलल डाल दी थी। ये करैत की प्रजाति है याद रखिए, और बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है ये। और इसके लिए कहावत है कि इसकी पूछ में डंक होता है। आप यही पूछ रहे थे ना सर? जी हाँ। इसके पूछ, किसी भी सांप के पूछ में डंक नहीं होता है। इसका जो जहर का दांत है इसके मुंह के अंदर, जब तक ये काटेगा नहीं तब तक जहर नहीं आएगा। इसके पूछ में किसी प्रकार का कोई डंक नहीं है। मगर ये नहीं काटता वो उसमें घर, घर के किनारे। बहुत ही शांत स्वभाव का सांप है, बहुत सीधा सांप है। नहीं ये काटता नहीं है, काटता है लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, बहुत ज्यादा छेड़ेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका पूछ, ऐसे मत टच करिए सर। ये देखिए, देखिए ये पूछ, ये देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई डंक नहीं। ये क्या कराट प्रजाति का? हाँ ये कराट प्रजाति का है, कभी इसका नाम है ब्लेंडेड करैत। चाहे जीव खतरनाक हो चाहे सिंपल हो, हर जीव का, हर जीव को प्रकृति में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इंसानों का बचना हो पाएगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, ये जो आरती फ्री हैंडलिंग कर रही है आप लोग कतई ना करें, क्योंकि इसे एक्सपीरियंस है, इस सांप के नेचर को समझती है, लेकिन ये बेहद ही जहरीला सांप है, करैत की स्पीसीज है, और ये शांत जरूर है लेकिन कोबरा से लेकर रसल वाइपर तक को और कॉमन करैत तक को खा जाता है। तो प्लीज़ हमारी कॉपी ना करें, ये एक्सपीरियंस का बेस है और इतने साल से ट्रेंड है, फुल ट्रेंड है। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे रेप्टाइल की मदद करते हुए, लोगों की मदद करते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। थैंक यू, जय हिंद। तो कल ये हमने बैंडेड करैत को रेस्क्यू किया था, लेकिन कल बिजी शेड्यूल की वजह से लेट नाइट हो गया, हम छोड़ नहीं पाए थे। तो अभी इसे हम सूटेबल जगह देख के बैंडेड करैत को यहाँ रिलीज कर रहे हैं। एक खूबसूरत सांप, और इसे सही जगह देते हुए देखिए आप।
ये ऐसी जगह पे ही रहना पसंद करता है और सांपों का ही शिकार करता है।